नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल लेटेस्ट नर्सिंग पे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जो भी CHO हैं या CHO बनना चाह रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए दोस्तों हमारे चैनल के बारे में। आप कंटेंट देख सकते हैं, CHO के लिए सबसे बेस्ट चैनल होगा ये, ठीक है। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं दोस्तों, और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो UPCHO का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, काफ़ी ऐसा एग्ज़ाम हुआ था जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इतना हार्ड एग्ज़ाम आया, NHM ने पता नहीं किस तरीके से एग्ज़ाम को बनाया, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है वो कि मेरिट कितनी जाएगी और कितनी हो सकती है, किस किस का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा चैनल होने वाला है ये, सभी CHO और जितने भी नर्सिंग के कैंडिडेट हैं, क्योंकि सबसे पहले अपडेट लेटेस्ट नर्सिंग चैनल के द्वारा ही बताई जाती है दोस्तों, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यानी कि कितनी मेरिट रहेगी यहाँ पे, सभी कंडीशंस की बात करेंगे, कितने स्टूडेंट्स थे और नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है, वो सारी कंडीशंस पता करेंगे इस वीडियो में। और आप लोगों के लिए यह बहुत अच्छा वीडियो है दोस्तों, और हमने सभी कंडीशंस को रखते हुए ये वीडियो बनाया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा आपके लिए, जो भी है एकदम करेक्ट बताएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होगा कट ऑफ निकालने के लिए टोटल स्टूडेंटों का पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यह है। अगर हम बात करें कैंडिडेट की कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो अप्रोक्स मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे टोटल एग्जामिनर थे दोस्तों 30,000 से 35,000 के बीच में। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों, CHO के एग्ज़ाम में जो UPCHO का एग्ज़ाम हुआ था, लगभग अप्रोक्स 30,000 से 35,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। अब उनमें देख लेते हैं दोस्तों, आप सबको पता होगा एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड था, तो इस चीज़ के लिए अलग अलग शिफ्ट वाइज जो है एग्ज़ाम हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए जो शिफ्टों में एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, यानी कि आप सोच सकते हो एक शिफ्ट बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आए, किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आए, तो दोस्तों ऐसी कंडीशंस में नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। सभी शिफ्टों को देखते हुए, स्टूडेंटों को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों, क्योंकि कोई स्टूडेंट जैसे थर्ड शिफ्ट में है, कितना हार्ड एग्ज़ाम था, और एक स्टूडेंट था जो फर्स्ट शिफ्ट में था जो कि नॉर्मल एग्ज़ाम था, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं था, उस एग्ज़ाम को सभी कैंडिडेट कर सकते थे, लेकिन जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था उसको सभी कैंडिडेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये एकदम एक्यूरेट नहीं है सभी के लिए, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होना है दोस्तों, ठीक है, इस चीज़ को आप देखें। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो कट ऑफ की, ठीक है, अप्रोक्स कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, हम सारे डाटा कलेक्ट करके अच्छे तरीके से ये कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाइए दोस्तों, ज़्यादा नहीं तो लगभग अप्रोक्स इतनी ही रहने वाली है आपकी, जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं UR की कितनी होगी दोस्तों। देखिए, आप एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है। आप सोचे होंगे दोस्तों बिहार CHO की तरह होगी, लेकिन नहीं, ये UPCHO को जो एग्ज़ाम हुआ था, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो, जो जनरल की कट ऑफ होगी दोस्तों 60 से 65% के आसपास होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली, अप्रोक्स इतनी होगी, आप देख लेना, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर करेंगे EWS की, EWS की थोड़ी सी कम होती है जनरल से, आपको पता होगा यहाँ पे 56 से 60 के बीच में दोस्तों EWS की रहने वाली है, ठीक है। ये जो डाटा मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल लगभग अप्रोक्स बताऊँगा, ये जो ओरिजिनल कट ऑफ निकल के आएगी उसके अप्रोक्स ही बैठेंगे दोस्तों, देख लेना आप, ठीक है। OBC की बात करते हैं दोस्तों, OBC कट ऑफ कितनी जाएगी, OBC की जो कट ऑफ जाने वाली है यहाँ पे 50 से 55% जाने वाली है, ठीक है, OBC की हो गई। उसके बाद में जो SC और ST की, आपको पता होगा दोस्तों SC और ST की जो कट ऑफ होती है सभी से कम होती है, तो SC की जो कट ऑफ है, देखिए दोस्तों अभी मैंने जो OBC की बताई थी वो EWS के बराबर नहीं होगी, OBC की जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों वो 55 से 60% के आसपास रहेगी, ठीक है, ये करेक्ट है, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, इसलिए EWS की और OBC की कैटेगरीज जो मेरिट जाती है वो अलग अलग जाती है, ठीक है। जो EWS की मेरिट रहेगी यहाँ पे 55 से 60% के बीच में रहेगी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। दूसरी बात, SC और ST की आपको पता होगा ये कम रहती है, ठीक है, तो ST की कितनी होने वाली है दोस्तों, ST की जो मेरिट जाएगी
50 से 55% के आसपास जाएगी। ठीक है, ये करेक्ट जो डाटा है, अप्रोक्स डाटा बता रहा हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही स्टूडेंट के लेवल को देखते हुए, स्टूडेंट के जो कितनी संख्या में स्टूडेंट पेपर देने के लिए गए थे उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और जो हमारे कमेंट आते हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा उनसे हमें पता चलता है। ठीक है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही, और एग्ज़ाम को देखते हुए ये सारी कट ऑफ बनाई गई है। ठीक है, और एससी की जो कट ऑफ होने वाली है दोस्तों 40 से 50% होने वाली है। ठीक है, तो इतनी कट ऑफ रहने वाली दोस्तों, और सबसे बढ़िया बात नॉर्मलाइजेशन होना भी चाहिए और यहाँ तक होगा। ठीक है, जिसमें सभी लोग समान हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, टोटल एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिए थे, अप्रोक्स इतने लोगों ने यहाँ पे पेपर दिया है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों, आपके लिए शांति होगी थोड़ी बहुत। ऐसे नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये जो चैनल बनाया है स्पेशल CHOs के लिए है, लेटेस्ट नर्सिंग नाम से है। आप लोगों के लिए सारी डिटेल में CHO से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी आपको देखने को, आप एक बार चैनल को देख सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट हम जल्दी से लेके आते हैं आपका रिजल्ट, इसलिए सब्सक्राइब करें, आपको पता चलेगा दोस्तों। थैंक यू।